हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू KiCo। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर पॉलिटी का, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, क्लास एट। उसका नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब इंडिया क्या है? एक डेमोक्रेसी है, राइट? डेमोक्रेसी होती क्या है? डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का एक फॉर्म है डेमोक्रेसी। गवर्नमेंट क्या होती है? जो लोगों के लिए डिसीजंस लेती है, राइट? डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो गवर्नमेंट बनती है वो उसमें लोगों का एक रोल रहता है इस गवर्नमेंट को बनाने में, राइट? एक और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं मोनार्की। जो पहले जैसे राजा महाराजा जो होते थे, अकबर आपने सुना होगा, तो मोनार्की में क्या होता है कि एक आदमी के हाथ में सारी पावर्स होती हैं, उसको बोलते हैं किंग या मोनार्क, राइट? अब आप ये बात नोटिस करिएगा कि दुनिया की जितनी भी डेमोक्रेसीज हैं जनरली, उन सबका एक कॉन्स्टिट्यूशन है। बट कॉन्स्टिट्यूशन होने से ही कोई भी गवर्नमेंट का फॉर्म डेमोक्रेसी नहीं बन जाता है, राइट? अब हम समझने की कोशिश करते हैं। ये तो था पार्ट डेमोक्रेसी एंड गवर्नमेंट क्या होती है, राइट? अब हम समझने की कोशिश करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। फ्रेंड्स, आपने अपने स्कूल में या टीवी पे आपने गेम देखा होगा, फुटबॉल, राइट? उससे कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, जैसे कि फुटबॉल को पैर से ही खेलना है, बॉल अगर हाथ पे लग गई तो उसे फाउल कहा जाता है और गेम रोक दिया जाता है। दैट इज, इस गेम के अंदर कुछ सर्टेन रूल्स हैं। एक आप देखते होंगे, एक फील्ड में एक लाइन खींची रहती है, उसके बाद बॉल अगर बाहर चली जाती है तो उसे आउट कहते हैं एंड गेम फिर से रोक दिया जाता है। तो वैसे ही हर सोसाइटी के अंदर अपने हिसाब से कुछ कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स होते हैं, यानी नियम होते हैं जो उस सोसाइटी को डिफाइन करते हैं, उस सोसाइटी को बाकी सोसाइटीज से अलग करते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, राइट? इस डाइवर्स कंट्री में बहुत सारी कम्युनिटीज रहती हैं, और कम्युनिटी से हमारा मतलब ये होता है, बेसिकली कम्युनिटी को अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें तो ये एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक शेयर करता है। वो कुछ भी हो सकता है, लैंग्वेज हो सकती है, रेस हो सकती है, कास्ट हो सकता है, रिलीजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही इंडिया में बहुत सारी कम्युनिटीज हैं, राइट? अब कैसे हम अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, जिसने हमारी इंडिया की सोसाइटी के कुछ बेसिक रूल्स सेट किए, वो कब बनी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई दिसंबर 1946 में, यानी आज़ादी के 8 महीने पहले इसने अपना काम स्टार्ट किया। एंड 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया। उसके तब तक हम आज़ाद हो चुके थे, ब्रिटिशर्स जा चुके थे इंडिया से, राइट? तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया। उसमें कैसे इसने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया? इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कोशिश करी कि जितनी डाइवर्स कम्युनिटीज जो थी हमारे पास, उनमें एक मिनिमम एग्रीमेंट हो सके, कि कुछ जो रूल्स हैं जिसके लिए सब लोग एग्री करते हैं कि ये तो होने ही चाहिए, उस पे उसके बेसिस पे इन्होंने डिबेट्स करी, डिस्कशंस हुए। इसीलिए 3 साल लगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में, और 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1949 में फाइनली रेडी हो गया। अब हम जानते हैं, ये हमने पढ़ा कि कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 1946 से 49 के बीच में इतनी सारी डाइवर्स कम्युनिटीज के लीडर्स ने कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जन्म दिया, फाइन। अब हम आ जाते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है, क्यों एक सोसाइटी में मिनिमम रूल्स होने चाहिए। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर मान लीजिए आपकी सोसाइटी में कोई रूल्स ना रहे, तो आप क्या इमेजिन कर सकते हैं क्या होगा? अगर कोई रूल नहीं रहेगा तो केओस फैलेगा,
लोग कंफ्यूज्ड रहेंगे, किसकी बात सुने किसकी बात नहीं सुने, क्या करें, क्या चीज़ करना सही है क्या गलत है। इस कारण से एक सेट ऑफ बेसिक रूल्स होते हैं हर सोसाइटी में, जिसको हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। फाइन, अब ये कॉन्स्टिट्यूशन की का एक नीड ये है कि ये दिखाता है कि हमारी एस्पिरेशंस क्या हैं, एक एज अ सोसाइटी हम क्या बनना चाहते हैं। हम जैसे आप अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन खोलेंगे तो आपको फर्स्ट पेज पर दिखाई पड़ेगा प्रियम्बल। प्रियम्बल क्या कहता है? प्रियम्बल में ये लिखा है कि इंडिया एक सेक्युलर सोवरेन रिपब्लिक है। फाइन, इन सब टर्म्स के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट ये हमारा एस्पिरेशन दिखाता है कि हम एक डेमोक्रेसी रहना चाहते हैं। फाइन, उसमें लोगों को आज़ादी होगी, सब लोग मिलजुल कर रहेंगे, ये सब बातें दिखाती हैं कि हम कैसी सोसाइटी बनना चाहते हैं। फाइन, तो हर कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली उस सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हुई पहली नीड। अब हम आते हैं दूसरी, क्या नीड है? अगर आप किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन को खोल के देखेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि उस कंट्री में कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है। फाइन, मैंने अभी आपको बताया गवर्नमेंट्स दो तरीके से बनाई जा सकती हैं, और भी तरीके हैं गवर्नमेंट्स बनाने के, बट दो तरीके, उसमें से एक डेमोक्रेसी है एक मोनार्की है। पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है या पॉलिटी क्या होती है? किसी भी सोसाइटी का ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, फाइन, उसे हम पॉलिटी या पॉलिटिकल सिस्टम बोलते हैं। अच्छा दोस्तों, इस पॉलिटिकल सिस्टम की ज़रूरत क्या है, क्यों हमें पॉलिटिकल सिस्टम चाहिए? अब हर बार सारे फैसले, लेट अस सपोज डेमोक्रेसी की ही मान लिया बात करते हैं, तो हर बार सारे फैसले सब लोगों के कंसेंसस से करना बड़ा मुश्किल काम होता है। इसलिए हम एक गवर्नमेंट चुनते हैं। डेमोक्रेसी में लोग पार्टिसिपेट करते हैं, आपने देखा होगा इलेक्शंस होंगे और फिर वोटिंग होगी एंड गवर्नमेंट बनेगी। फाइन, तो ये लीडर्स हमारे लिए फैसले ले सकें, कैसे इस सोसाइटी को आगे ले जाना उसकी प्लानिंग कर सकें, इसके लिए हम एक पॉलिटिकल सिस्टम बनाते हैं। तो हमारे देश का, इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम डेमोक्रेटिक सिस्टम है। फाइन, अच्छा अब हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। नेपाल में 1990 में एक कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया। उस कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों ने पावर होल्ड करी। पहले नेपाल एक मोनार्की था और 2006 में अगेन वो एक डेमोक्रेसी में दोबारा से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। फाइन, दोबारा से ये एक डेमोक्रेसी बना, बीच में मोनार्की आ गई थी, यानी 1990 में एक कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया जिसके जो कहता था कि नेपाल एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। 2006 में फिर से इस कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना पड़ा क्योंकि बीच में फिर से मोनार्की आ गई थी और फाइनली हमने नेपाल के लोगों ने फिर से ट्रांसफॉर्मेशन करके डेमोक्रेसी को अपना पॉलिटिकल सिस्टम बना लिया। यहाँ तक तो आप बात को समझ चुके होंगे अच्छे से। अब ये एक और काम करता है। ये जो नेचर ऑफ ये जो कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम बताता है, ये उस जो गवर्नमेंट बनेगी उसके ऊपर एक लिमिट लगाता है, यानी कि एक बाउंड्री बनाता है कि कोई भी गवर्नमेंट इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेगी, इस जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको उसके अगेंस्ट जाके कोई काम नहीं कर सकती है। जो आइडियल्स, जो चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई करी गई हैं, इसी फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए ही सारी गवर्नमेंट्स को काम करना है। वरना क्या होगा? अगर गवर्नमेंट के ऊपर लिमिट्स नहीं होंगे, चेक्स नहीं होंगे, तो क्या होगा? मान लीजिए कोई प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होता है और उसके पास अनलिमिटेड पावर होती है। फाइन, डेमोक्रेसी से ही इलेक्ट होता है लेकिन उसके पास अनलिमिटेड पावर्स होती हैं, तो वो क्या करेगा? अगर उसके ऊपर कोई लिमिट्स एंड चेक्स नहीं है तो उस पावर का मिसयूज़ कर सकता है, उस पावर को अनजस्टली यूज़ करके अपने बेनिफिट के लिए उसको यूज़ कर सकता है, और सफ़र कौन करेंगे? इस कंट्री के लोग। फाइन, तो कॉन्स्टिट्यूशन का ये भी एक पर्पस है। ठीक है, अब ये जैसे हमने बताया आपको कि इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। फाइन, तो इस डाइवर्स कंट्री में ऐसा तो है नहीं कि सारी कम्युनिटीज़ की पॉपुलेशन बराबर है, एंड आपको पता है कि डेमोक्रेसी में क्या होती है? वोटिंग, यानी जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट उसके उसकी गवर्नमेंट उसके हिसाब से बनेगी।
ये तो आपको पता है, डेमोक्रेसी में इलेक्शंस होंगे, अगर दो लोग खड़े हुए हैं, किसी को 60 वोट्स मिले और किसी को 40 वोट्स मिले, तो 60 वोट्स वाला गवर्नमेंट बनाएगा, प्राइम मिनिस्टर बनेगा या चीफ मिनिस्टर बनेगा, फाइन। तो ऐसे ही बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं हमारे कंट्री में। मान लीजिए कुछ कम्युनिटीज़ हैं जो बहुत ही स्मॉल साइज़ की हैं, ठीक, उनके पास इस वोटिंग को इन्फ्लुएंस करने का पावर ही नहीं है। जैसे मान लीजिए 100 में से कोई कम्युनिटी है जिसकी स्ट्रेंथ 70 है, कोई एक कम्युनिटी है जिसकी स्ट्रेंथ 20 है, और एक कोई कम्युनिटी है जिसकी स्ट्रेंथ 2 है, फाइन। जब वोटिंग होगी तो आपको क्या लगता है, क्या ये जो छोटी कम्युनिटी है जिसमें सिर्फ 2 लोग हैं, क्या वो गवर्नमेंट फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले कर पाएंगे? नहीं। और होगा क्या कि जो ये मेजॉरिटी कम्युनिटी है ये इलेक्ट करेगी हर बार सरकार, सरकार अगर इनकी बनेगी तो इनके फेवर में सारे डिसीजन जाएंगे। इसको रोकने के लिए, ताकि ये जो मेजॉरिटीज़ हैं ये डोमिनेंट ना हो जाए छोटे लोगों पे, छोटी कम्युनिटीज़ पे, तो इसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, फाइन। तो ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का तीसरा पर्पस। और फाइनली, हम सब दोस्तों एक सोसाइटी में रहते हैं, होता क्या है कभी कभी, जैसे मैं या कोई और डिससैटिस्फाइड है इट, तो होगा क्या कि वो बोलेगा कि भाई मेरे को ये डेमोक्रेसी नहीं अच्छी लगती है, मुझे डिक्टेटरशिप चाहिए, फाइन, डिक्टेटरशिप चाहिए उसे। तो वो क्या करेगा कि कोशिश करेगा उस चीज को लाने की, डेमोक्रेसी हट जाएगी, डिक्टेटरशिप आ जाएगी। डिक्टेटरशिप में होता क्या है कि एक सुप्रीम लीडर होता है जिसके पास सारी पावर कंसंट्रेटेड होती है, और ऑलमोस्ट ऑलवेज वो पावर ऑलमोस्ट ऑलवेज अनलिमिटेड होती है, फाइन। तो होगा क्या कि अगर ऐसे ही डेली बेसिस पे हर आदमी अपने डिसीजंस लेने लगे, तो फिर जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, केओस फैलेगा, राइट, केओस एंड एनार्की फैल जाएगी सोसाइटी में, ठीक है। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन अपना काम करता है, राइट। तो ये हमने इस वीडियो में हमने अभी तक क्या देखा है, डेमोक्रेसी क्या है, लोगों के सपोर्ट से बनी हुई, लोगों के द्वारा उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन होता है, वो डेमोक्रेसी के थ्रू वोटिंग होती है और गवर्नमेंट बनाई जाती है, फाइन। फिर हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कैसे डिबेट्स हुई, कब से कब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काम किया, एंड फाइनली हमने ये देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन की हमें ज़रूरत क्या है। अब ये जो आइडियल्स, ये जो नीड्स हैं, इनको एक प्रिंसिपल्ड फॉर्म में अगर हम देखें तो ये कुछ आइडियल्स और प्रिंसिपल्स बनते हैं। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रिंसिपल्स बनाए हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। इन प्रिंसिपल्स के बारे में, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक संरचना का वो करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं उसको, उसके बेस में है, उसके लिए बहुत ज़रूरी हैं, उसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।